सब्सक्राइब कीजिए टैग्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज सर, आप देख रहे हैं टैक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने जो मोबाइल नंबर हमारा होता है सिम का नंबर, उसकी अगर हम डिटेल निकालना चाहें, उसका जो है वो नंबर हमारा किसके नाम पर है, उस बंदे का एड्रेस क्या है और उसका CNIC नंबर क्या है, उसकी डिटेल अगर हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो उससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एप्लीकेशन बताने वाला, मोबाइल की जो ऐप है उसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से भी। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरह से आप लोगों ने काम। जी तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च में टाइप करना है सिम ऑनर डिटेल। यहाँ पे लिखा होगा सिम ऑनर डिटेल, आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है आप लोगों के पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो आप लोगों को यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर खुली नज़र आ रही है, सिम ऑनर डिटेल्स पाकिस्तान मेगा ऐप्स वालों की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है और जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं वो मैंने किसी पे भी वर्क नहीं करा, मुझे नहीं पता वो जो है अपना डिटेल बिल्कुल ठीक देती हैं या नहीं, ये ऐप जो है बिल्कुल ठीक डिटेल देती है। तो इस ऐप को जो है आप लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप लोगों ने जो है यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है इस ऐप का कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक से लेके चार तक यहाँ पे सर्वर हैं, उसके अलावा नीचे काफ़ी सारे टैब हैं, ऑनलाइन अर्निंग, लोकेशन, इन सब टैब को जो है आप लोगों ने नहीं छेड़ना। आपने जो है सिर्फ अपने मोबाइल नंबर की डिटेल निकालनी है। तो आप लोगों ने जो है ये जो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 4 लिखा हुआ है, इनमें से किसी भी एक सर्वर को जो है आप लोगों ने खोल लेना है। अमूमन ये जो है चारों सर्वर एक ही जैसी डिटेल देते हैं। अगर एक सर्वर पर आप लोगों को डिटेल अवेलेबल होगी तो वही डिटेल आपको चारों सर्वर पर होगी, अगर एक पे नहीं होगी तो फिर आपको किसी भी एक में से चारों सर्वर में से किसी एक सर्वर में भी डिटेल अवेलेबल नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो अब मैं यहाँ से जो है सर्वर 1 पे क्लिक करके जो है आप इस तरह से कुछ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा, यहाँ पे ऊपर लिखा नज़र आ रहा है सर्च CNIC और नंबर। अगर आप लोग यहाँ पे CNIC नंबर डालते हैं जो हमारा होता है शिनाख्ती कार्ड का नंबर, अगर आप यहाँ पर डालते हैं तो उस बंदे के नाम पर जो है जितनी भी सिम एक्टिवेट हैं, जितनी भी सिम बायोमेट्रिक से एक्टिवेट हैं, उन तमाम की डिटेल, उन तमाम सिमों का एड्रेस और उन सिम का नंबर जो है, चाहे वो कोई सी भी सिम है, जोंग, यूफोन, जैस, वारे, टेलनोर, कोई सी भी सिम है, वो तमाम के तमाम नंबर, उनका एड्रेस और NIC नंबर जो है आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर सिर्फ नंबर टाइप करते हैं मोबाइल नंबर तो आप लोगों के पास जो है उस नंबर की डिटेल जो है आ जाएगी, जो उसका एड्रेस होगा और NIC नंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है नंबर टाइप कर लेना है, मैंने नंबर जो है कॉपी करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे जो नंबर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने जो है यहाँ पे नंबर डालना है और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास जो उसकी तमाम की तमाम डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे कुछ एड्स आते हैं इस एप्लीकेशन में तो उनसे आपने घबराना नहीं है, उनको जो है क्लोज़ कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो नंबर यहाँ पे टाइप करा, मैं नंबर यहाँ पे हाइड करूँ क्योंकि किसी और का नंबर है, पर्सनल नंबर है किसी का, तो उसकी जो है यहाँ पे डिटेल, उसका नाम, उसके घर का एड्रेस और उसका NIC नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो CNIC नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर के मैं अगर आपको डिटेल दिखाना चाहूँ कि किस तरह से जो है हमारे पास डिटेल शो होती है अगर हम किसी का NIC नंबर जो है शो अपना सर्च करते हैं। तो यहाँ से मैं इसी NIC नंबर को जो है कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद उधर ही जहाँ पे लिखा हुआ सर्च CNIC और नंबर, यहाँ पे आके जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस NIC नंबर को, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस CNIC पर जितने भी नंबर एक्टिवेट हैं बायोमेट्रिक्स, उन तमाम के तमाम का नाम, उनका एड्रेस और उनका शिनाख्ती कार्ड नंबर जो आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोग यहाँ पे NIC नंबर सर्च करते हैं तो यहाँ उस NIC पे जितने भी नंबर एक्टिवेट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर एक्टिवेट होते हैं, वो तमाम के तमाम नंबर जो है आप लोगों के पास यहाँ पे शो होने लगते हैं। कोई भी नंबर जो है हाइड नहीं होता या कोई भी नंबर फेक नहीं होता। तो इस तरह से जो है आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और कमाल की एप्लीकेशन है, मुझे काफ़ी पसंद आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।